लोग हैं कैसे आप सभी, यार उम्मीद ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला ऐसी ट्रिक बताने वाला, ऐसी टिप बताने वाला जिससे आप से करने का बहुत ही आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको ऐसी भी टिप बताऊँ जिससे करके आपको मैच में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये टिप ये है कि आप पानी के अंदर क्या सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको इस वीडियो में यही मैं बताऊँ कि आप पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। आप भले वो पानी के अंदर 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो जैसे रहना हो वैसे रह सकते हैं और आपकी कोई फील्ड भी लॉस नहीं होगी। आसानी आप यहाँ से वहाँ पे पानी के अंदर घूम सकते हैं। तो यार, अगर आप चैनल पे नए होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना कि मैं से रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ। रोज सारी वीडियो अंदर रियल होती है, सारी टिफिन के अंदर रियल होती है। तो यार, तो चलते हैं वीडियो में। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ, आपको वीडियो को मेन पार्ट में ले आता हूँ। तो सारे रूल जैसे कि फॉलो कर लें, तो चलते हैं उस मेन पार्ट में। गाइस, तो गाइस आपको यहाँ पे किसी भी पानी की तरफ आना है। पानी की तरफ आने का आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लेटना है। यहाँ पे थोड़ा ही अंदर पानी के थोड़े अंदर जाना है। वो थोड़े अंदर जाने के बाद आपको देखो, मैं ज़्यादा अंदर चलेगा तो मेरे से होगी गलती। आपको बस थोड़े ऐसे अंदर जाना है। थोड़ा अंदर जाने के बाद तो यार हो नहीं, अब बस इतना अंदर जाएंगे। इतना अंदर जाने के बाद मैं अपनी वाईफाई को ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करने के बाद मैं दोबारा सारा अंदर जाता हूँ। उसके जाने के बाद मैं अपनी वाईफाई दोबारा ऑन कर लूँगा। तो गाइस आपको करना है कि आपको ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना है। अगर आप ज़्यादा ही पानी के अंदर जाओगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल पानी के अंदर आ चुका हूँ। मैंने गन भी लगा ली है और मैं फायर भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं मैं फायरिंग भी कर रहा हूँ। बास आने से यहाँ पर सर्वाइव रह सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे हीलिंग करके भी दिखाता हूँ, जैसे जैसे कि देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन किलर भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी उसे नहीं हो रहा। मेरी पेन किलर भी यूज़ हो चुकी है। तो इस ट्रिक को आप ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जा सकते। ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना, आपको बस बिल्कुल किनार की तरफ आपको लेटना है और आपको अपना वाईफाई के डेटा जो भी बंद करना है। उसके बाद आपको अंदर आना, उसके बाद आपको खोल देना है। अब मैं आपको और अंदर जाके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं और अंदर गया मेरा ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद तो आपको करना क्या, आपको फिर बस बिल्कुल आपके पानी के बिल्कुल पास ही यहाँ पे आना है। बिल्कुल पानी के पास आने के बाद आपको वाईफाई अपनी बंद करनी है। वाईफाई बंद करने के बाद आपको अपने बंदे को अंदर डालना है। उसके बाद आपको अपनी वाईफाई वापस खोल देनी है। जैसे आप अपनी वाईफाई वापस खोलेंगे तो मेरे से गलती इसमें देखो अब ये हो गई है। आपको क्या, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या नहीं करना है इसमें, आपको क्या क्या नहीं करना है जिससे आपकी ट्रिक या वर्क नहीं करेगी। जैसे कि आप यहाँ ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ इससे ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना है। और आपको इतना पानी के अंदर जाना है, उसके बाद डेटा जैसे अपनी वाईफाई बंद करेंगे, जब भी आपको ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा पानी के अंदर ऐसे जाना है आपको। उसके बाद अपनी वाईफाई को दोबारा ऑन कर देना है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। फिर आप बोलोगे तो यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये हो रहा है ये, तभी मैं आपको बता देता हूँ ये भैया ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाना है ये ट्रिक करने के लिए। तो दोस्तों कमेंट में बताओ ट्रिक कैसी लगी है, आपको पसंद आई होगी तो यार, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और आगे तक दोस्तों में शेयर कर दो। और चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना है कि मैं ऐसी रोज़ाना ऐसे टिप एंड ट्रिक की वीडियो अपलोड करता हूँ, वो सारे 100% रियल होती है। तो यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये खेलते रहते पबजी मोबाइल। बाय गाइस।